नमस्कार साथियों आज मैं आप लोगों के लिए शाम सवेरा कोफ्ता की रेसिपी लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल ये मखनी ग्रेवी है और उसमें पालक और पनीर का ये कोफ्ता है बहुत ही हेल्दी वर्जन में बनाया है मैंने इसको देख रहे होंगे ना आप कोफ्ती को कितना प्यारा लग रहा है ये नॉन फ्राइड रेसिपी है और बहुत ही सॉफ्ट है देख लीजिए आप खुद से ही कितना सॉफ्ट बना हुआ है ये मखनी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक पैन को गरम किया है और उसमें दो तीन चम्मच ऑयल को डाल देना है जैसे ही ऑयल गरम हुआ उसमें एक चम्मच शाही जीरा डाल दिया है मैंने इसकी जगह आप रेगुलर जीरा भी यूज़ कर सकते हैं थोड़े से लहसुन और थोड़ा सा दो तीन टुकड़े अदरक को भी डाल दीजिएगा लहसुन अदरक को एक मिनट सिकने देने के बाद एक बड़े प्याज को मैंने काट करके डाल दिया है अब इसको भी एक दो मिनट के लिए भूनना है अब ये फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है मीडियम फ्लेम पे ही ये सारी कुकिंग करनी है दो बड़े टमाटर को काट करके मैंने डाल दिया है अब इसको भी भूनना है थोड़ा सा पकाना है आठ दस ये काजू डाल दिए हैं मैंने और फ्लेम को अब स्लो कर दिया है नहीं तो प्याज और टमाटर जलने लगेंगे पानी नहीं डाला है मैंने तो फ्लेम को स्लो कर देना है अब स्लो पे ही इसको कुक करना है अब मैं बाकी की चीज़ें भी ऐड कर दे रही हूँ इसमें एक चम्मच रेड काश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें इससे बहुत अच्छा कलर आता है पर यह तीखा नहीं होता है आधी चम्मच मैंने ये गरम मसाला ऐड किया है आप इसकी जगह धनिया जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं एक छोटी चम्मच नमक भी डाला है नमक की वजह से टमाटर पानी रिलीज़ करता है और बहुत जल्दी पक जाता है दो तीन मिनट भूनने के बाद अब इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे ही पाँच मिनट के लिए अभी और पकाना है मखनी ग्रेवी बन रही है तो चीनी तो डालना ही होगा एक चम्मच चीनी डाला है मैंने अब इसको मिक्स करके थोड़ा सा ठंडा कर लेना है फिर मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर देना है मसाला अब थोड़ा ठंडा हो गया है अब इसको मिक्सी के जार में एकदम स्मूथ ग्राइंड करना है बिल्कुल बारीक पीसना है अगर मसाला पीसने में दिक्कत आ रही हो तो दो चार चम्मच पानी भी डाल देना है अब फिर से वही मसाले वाला पैन लिया है और इसमें दो तीन चम्मच बटर को डाल दिया है अब इसमें पिसा हुआ मसाला डाल रही हूँ मैं इसको बस दो तीन मिनट ही और कुक करना है आप इसको सीव भी कर सकते हैं मतलब छान सकते हैं लेकिन ये मेरा एकदम बारीक पिसा हुआ है इसलिए मुझे छानने की जरूरत नहीं पड़ी है अब हाफ कप दूध डाल रही हूं इसमें। अगर बहुत थिक हो ग्रेवी तो थोड़ा सा दूध और भी ऐड कर लीजिएगा एक छोटी चम्मच ये भुनी हुई कसूरी मेथी है इसको थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है मैंने ये मखनी ग्रेवी में बहुत ज़रूरी है इससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये देखिए ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है अब मैं स्विच को ऑफ़ कर रही हूँ कोफ्ता बनाने के लिए मैंने एक कप पानी लिया है और ये 200 ग्राम पालक को उसमें डाला है इसको हाई फ्लेम पे सिर्फ दो मिनट के लिए बॉईल करना है दो मिनट के बाद इसको फटाफट से निकाल देना है थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी के जार में रख करके एकदम बारीक पीस देना है ये देखिए बारीक पीस दिया मैंने अब इसको एक बाउल में निकाल दे रही हूं मैं पीसने के पहले पालक में से पानी को बिल्कुल निचोड़ दीजिएगा तभी मिक्सी में रख के ग्राइंड कीजिएगा इसमें बाइंडिंग के लिए दो चम्मच रोस्टेड बेसन यूज़ किया है मैंने और दो चम्मच ब्रेड क्रम्स डाला है थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ किया है हाफ़ स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर हाफ़ स्पून ब्लैक पेपर पाउडर हाफ स्पून गरम मसाला हाफ स्पून चाट मसाला हाफ़ स्पून लाल मिर्च पाउडर इन सबों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको 10-12 मिनट के लिए साइड में रख देना है ये दूसरे बाउल में मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है इन दोनों को डाल के इसको अच्छे से मैश कर लेना है इसमें भी बाइंडिंग के लिए एक चम्मच मैदा डाला है मैंने डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर बहुत सूखा हो तो एक दो चम्मच दूध या पानी डाल दीजिएगा अब इसके छोटे छोटे से गोले बना लेने हैं ये पालक का डो भी मैं आपको बिल्कुल पास से दिखला रही हूं इसका थिकनेस ऐसा ही होना चाहिए अगर आपका डोब पतला है तो उसमें एक दो चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल के दस मिनट ढक के उसको साइड में रख दीजिएगा बिल्कुल इसी तरह का हो जाएगा अब हाथ को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है मतलब तो अच्छे से ऑयल लगा लेना है अब एक चम्मच ये पालक का डो रखा है मैंने दूसरे हाथ की हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला देना है ऑयल लगा है ना इसलिए बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है आप देख ही रहे होंगे बीच में ये पनीर का बॉल को रख दिया है मैंने अब चारों तरफ से इसको कवर कर देना है और इस सुंदर से पालक पनीर के कोफ्ते वाले बॉल को मैंने ये थोड़े से मैदे में डाल के इस तरह से डस्ट कर दिया है इस तरह से ये पाँचों बॉल बना के तैयार कर लिए हैं एक अपम पैन लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया है ये नॉन फ्राइड रेसिपी है मैं इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ तो अपम पैन में मैं इसको सेक दूंगी अब इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने कुक करना शुरू कर दिया है इसको बीच बीच में ऐसे पलटते जाना है और चारों तरफ से अच्छे से करारे सेक लेने हैं थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे ही घुमा घुमा के चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से सेक लेना है अब देख रहे होंगे ना इसमें कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया ये देखिए शाम सवेरे कोफ्ते को मैंने कट किया है और ये कितना सुंदर दिख रहा है ना और बहुत सॉफ्ट बना है अब आ गई प्लेटिंग की बारी एक प्लेट में मैं ग्रेवी को निकाल रही हूं कितना सुंदर ग्रेवी लग रहा है ना? रोटी, पराठा नान कुलचा किसी के साथ आप इस सब्जी को इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ